नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार सरकार के तरफ से जो है कि आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता दीदी, जीविका दीदी और तमाम संविदा पर नियोजित कर्मी, महिला कर्मियों के लिए बिहार सरकार से हम खुशखबरी लेकर आए हैं। बिहार सरकार इन कर्मियों को क्या तोहफा देने जा रही है होली के पहले, या जो है कि सरकार जो है कि क्या कार्यवाही करके इनको लाभ पहुंचाएगी, वह सब कुछ हम आपको चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। इससे पहले जो है कि वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता कर्मी, आशा कर्मियों के बेहतर कार्यों के लिए जो है कि उनको अधिकारी से लेकर और तमाम जो है कि प्रशिक्षक लोग इसके लिए जो है कि सोनपुर में जो है कि प्रशिक्षण कराने की योजना बना रहे हैं और जो है कि 35,96,54,000 की राशि से 4 एकड़ में यह भवन बना हुआ है। सोनपुर में 2 मंजिला भवन में एकेडमिक ब्लॉक के अतिरिक्त प्रचार्य प्रोफेसर आवास भी होंगे और जो है कि विभाग ने तमाम कर्मियों को जो है कि केंद्र भवन में जो है कि कार्य करवाने हेतु प्रशिक्षण देने की तैयारी में जुट चुकी है। वित्त समिति की हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में इस भवन में जो है कि तमाम आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जनप्रतिनिधियों को अलग अलग जो है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि अलग अलग बैचों में होगा। इसके अलावा जो है कि आपको बता दें कि नियम कानून की जानकारी भी आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को दी जाएगी, ममता कर्मी को दी जाएगी और जो है कि इसके अतिरिक्त आयोग के द्वारा अन्य माध्यमों से आने वाली राशि समय समय पर तरीके से कैसे उपयोग करेंगे, इस काम का पूरा जो है कि इनको जानकारी प्राप्त कराया जाएगा और समय सीमा के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे भेजा जाता है, यह सब कुछ इनको बताया जाएगा। फिलहाल जो खबर प्राप्त हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी ममता दीदी को लेकर पिछले 10 मार्च को जो है कि पटना में बिंदेश्वर जी हैं जो उनके अध्यक्ष हैं एटक के, उनके द्वारा जो है कि बैठक की गई और बैठक के बाद सरकार को ज्ञापन सौंपे गए थे, जिसके बाद में जो है कि बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ममता दीदी, जीविका दीदी को जो है कि बहुत बड़ा तोहफा सरकार देने जा रही है। आपको बताते चले कि 15 मार्च को बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा और 27 मंत्रियों की जो है कि जरूरत है। अभी जो है कि सीएम सहित 9 मंत्री हैं और जो है कि बताया जा रहा है कि बिहार कैबिनेट का विस्तार 15 मार्च को हो सकता है। यहाँ विधानसभा की सदस्यों के हिसाब से मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 9 मंत्री हैं, इनमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों भाजपा के हैं। इनके अलावा डॉक्टर प्रेम कुमार, जदयू के विजय कुमार चौधरी आदि, विजेंद्र प्रसाद यादव, ये सारे लोग 9 मिनिस्टर मात्र हैं। 29 मंत्रियों की अभी 27 जो है कि 29 मंत्रियों की जरूरत है। और आपको बताते चले कि 14 मार्च तक विधानसभा के 11 सीटों के चुनाव की औपचारिकता पूरी करने के बाद जो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बीच जो है कि एनडीए की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को जो है कि मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद बढ़े हुए मानदेय का तोहफा जो है कि सरकार देगी, क्योंकि जो है कि केंद्र सरकार का जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो टाइमलाइन निर्धारित किया गया था, उस टाइमलाइन के अंदर ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ममता दीदी, जीविका दीदियों को जो है कि यह वेतन वृद्धि का उपहार दिया जाना है। इसमें जो है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, 15 मार्च को कैबिनेट विस्तार के बाद और 27 नए मंत्रियों की जो है कि नियुक्ति के बाद बिहार सरकार जो है कि बड़े ही तेजी से, बहुत तेजी से इन कर्मियों के वेतन वृद्धि पर जो है कि मुहर लगाना शुरू करेगी, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और जो है कि ममता दीदी, जीविका दीदी, जो है कि तमाम तरह की महिला कर्मी, महिला फैसिलिटेटर, आशा फैसिलिटेटर आदि की जो है कि मांगे अभी जो है कि लंबित है और उन मांगों के आधार पर जो है कि बिहार सरकार निर्णय लेने जा रही है, जो कि कैबिनेट विस्तार के बाद 27 मंत्रियों की नियुक्ति के बाद बिहार सरकार जो है कि तमाम
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने आशा कर्मी और जो है कि आशा फैसिलिटेटर ममता दीदी जीविका दीदी इन तमाम कर्मियों को जो है कि एक वेतन देगी, एक न्यूनतम वेतन पे स्केल जारी करेगी जिसमें उनका कर्मचारी भविष्य निधि TADA यानी कि यात्रा भत्ता सहित अन्य सभी प्रकार के भत्ता को शामिल करके एक न्यूनतम पे स्केल जारी कर देगी बिहार सरकार। और यह जो है कि 15 मार्च के बाद कभी भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है कि कैबिनेट की कमेटी इन प्रस्तावों पर मुहर लगाकर आशा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता कर्मी जीविका दीदी और जो है कि आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर और तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों की जो मांग लंबित है उस पर जो है कि कार्रवाई बिहार सरकार करने का मन बना चुकी है। किंतु दिक्कत यह है कि चूंकि जो है कि 27 मंत्रियों की अभी वैकेंसी है, 27 मिनिस्टर के पद अभी खाली है, कुल जो है कि 9 मंत्री जो है कि कार्य कर रहे हैं और उन्हीं 9 मंत्रियों को सारे प्रभार दिए गए हैं जिससे जो है कि वित्तीय संचालन में काफ़ी परेशानी हो रही है और जो है कि बहुत सारे कैबिनेट के लंबित प्रस्ताव पारित नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी ममता दीदी जीविका दीदी और जो है कि वैक्सीन कुरियर सहित MDM रसोईया आदि संविदा कर्मी के जितने भी मामले हैं वह 27 मंत्रियों की वैकेंसी पूरी हो जाने के बाद यानी कि कैबिनेट का विस्तार हो जाने के बाद बिहार सरकार जो है कि निश्चित तौर पर वेतन वृद्धि का तोहफा देने जा रही है। बड़े अधिकारी बताते हैं कि इसमें अब ज़्यादा विलंब होने की कोई बात नहीं है, तमाम कर्मियों को जो है कि वेतन वृद्धि कर उन्हें EPF कर्मी के दायरे में खासकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी को जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि दिया जाना अनिवार्य किया गया है बिहार सरकार को। और जो है कि केंद्र सरकार ने इस पर बड़ी अच्छी पहल की है और केंद्र के पहल के बाद जो है कि तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी ममता दीदी जीविका दीदी आदि जो आंदोलन कर रही है उनकी मांगों को जो है कि पूरा करने का निर्देश के बाद अब जो है कि यह खबर निकल कर आ रही है कि कैबिनेट विस्तार में 27 मंत्रियों की वैकेंसी रिक्ति ज्यों ही पूरी हो जाएगी, 27 मंत्री नियुक्त कर दिए जाएंगे और 27 मंत्रियों के नियुक्ति के उपरांत जो है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी और जो है कि आशा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता दीदी जीविका दीदी और तमाम कर्मियों का जो वेतन लंबित है, जो वेतन वृद्धि का प्रस्ताव लंबित है उस पर मुहर लगाकर और वेतन वृद्धि करके नीतीश की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मुहर लगाएगी और मुहर लगने के बाद सभी का एक न्यूनतम जो है कि पे स्केल न्यूनतम जो है कि मानदेय जारी होगा जो कि 12,000 से अधिक और 18,000 से कम नहीं होगा और उस मानदेय में तमाम तरह की सुविधाएं TADA यानी कि तमाम तरह के भत्ता इंक्लूड होंगे जिससे इनको कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की कटौती संभव हो सकेगा। तो यह बड़ी खुशखबरी है, इसमें जो है कि तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी अपना ताकत दिखाते हुए ममता दीदी जीविका दीदी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि आपका हक आपको जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक